कैसा हो अगर मैं आपसे बोलूं, जो आपका संस्कृत का पेपर होने वाला था, देखिए 14 तारीख गुरुवार को, वो अभी अभी वायरल हो चुका है। जी हाँ, और सबसे अच्छी बात पता क्या है, मुझे ये पेपर मिल चुका है, तो मतलब कि आप सभी को ये पेपर मिल जाएगा। और उससे भी अच्छी बात बताऊं आपको, इस पेपर का फुल सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है PDF के रूप में। ठीक है, आप सभी की हमेशा से डिमांड रहती है कि सर PDF दिया करो आप, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, हमें समझ में नहीं आता है, या फिर हम ज्यादा देर मोबाइल में नहीं देख सकते हैं। तो फाइनली मैंने इसकी PDF क्रिएट कर ली है, पेपर की भी PDF दे देता हूँ मैं आपको, और सॉल्यूशन की भी PDF आपको प्रोवाइड करा दूंगा। बस आपको क्या करना है, वीडियो अंत तक देखना है, और सभी सबसे पहले देखिए मैं आपको पूरा पेपर दिखा दे रहा हूँ, फिर इसके बाद मैं आपको बताऊंगा सॉल्यूशन की PDF दिखाऊंगा आपको, फिर मैं लास्ट में आपको बताऊंगा किस प्रकार से आपको डाउनलोड करना है सॉल्यूशन की PDF को। ठीक है, तो जैसे ही पेपर मिलता है यहाँ पे अपना रोल नंबर फिल करने के बाद, यहाँ पे देखिए मैं संपूर्ण पेपर एक बार आपको ओवरव्यू दिखा देता हूँ, बाकी PDF तो मैं आपको देने ही वाला हूँ, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी मैं आपको पूरा पेपर दिखा देता हूँ। ठीक है, ये संस्कृत का पेपर है, यहाँ पे देखते चलिए आप किस प्रकार से, ये 23-24 के लिए पेपर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते चलिए कुछ इस प्रकार से पेपर आपका जो है यहाँ पे वायरल हो चुका है। ठीक है, तो संपूर्ण पेपर आप यहाँ से देखते चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, इसके बाद 5 दिया गया है, इसी में 6, 7, 8 और 9 दिया गया है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10वां, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11वां, 12वां दिया गया है, 13वां, 14वां और यहाँ पे 15वां क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16वां दिया गया है, 16वें का अथवा देख लीजिए, 17वां दिया गया है, 18वां में यहाँ पे देखिए गद्यांश दिया गया है। ठीक, इसके बाद 18वां का अथवा है, और यहाँ पे देखिए 18वीं का अथवा है, यहाँ तक ये 18वें का अथवा था। 19वां दिया गया है, जी प्रकाश, 19वें के क्वेश्चंस दिए गए थे कुछ, ये 20वां दिया गया है देखिए, इसके बाद 20वां का अथवा दिया गया है, 21वां दिया गया है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा 22वां और 23वां, जिसका आपको बेसब्री से हमेशा इंतजार रहता है कि प्रार्थना पत्र किसका आएगा, तो देखिए अवकाशम का आएगा, बहुत ही सिंपल रहेगा। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे देखिए जो निबंध है वो महाकवि कालिदास का आप सभी को याद ही होगा, तो ये आप दोनों लिख देना। ठीक है, ये दोनों आने वाले हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ सॉल्यूशन किस प्रकार से, देखिए कुछ इस प्रकार से जो है सॉल्यूशन की PDF बनाई गई है। तो जो ये PDF है और जो ये पेपर की PDF है, इन दोनों को हम डाउनलोड करना अपने मोबाइल में देख लेते हैं। तो देखिए अगर आपको सॉल्यूशन की PDF और पेपर की PDF को डाउनलोड करना है, तो सबसे पहले अपना मोबाइल आप ले लीजिए अपने हाथ में। ठीक है, अपने हाथ में लेने के बाद आपको क्या करना है, गूगल ओपन कर लेना है मोबाइल में, और सर्च करना है स्टडी नोट्स पीजे। ठीक है, स्टडी नोट्स पीजे आप जैसे ही सर्च करते हैं तो यहाँ पे देखिएगा studynotespj.com पहला रिजल्ट, तो studynotespj.com पर आपको क्लिक कर देना है। फिर देखिएगा आपको MP बोर्ड नंबर 1 प्लेटफॉर्म जो कि त्रैमासिक परीक्षा 2023 के लिए बना हुआ है। ठीक है, यहीं पे आपको PDF मिलेगी, आपको क्या करना है, स्क्रॉल करना है, नीचे आना है, और यहाँ पे देखिए देखिएगा आपको जॉब बाई क्वालिफिकेशन में यहाँ पे MP बोर्ड, तो MP बोर्ड पे आपको क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पे हम देखने के लिए आए थे कक्षा 10वीं का यहाँ पे संस्कृत का पेपर। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि ऊपर कक्षाएं दी गई हैं सारी की सारी, और सामने विषय दिए गए हैं और नीचे सेट दिए गए हैं। ठीक है, टेबल में, तो यहाँ पे देखिए हम सबसे पहले विषय देखेंगे अपना, जो हमें चाहिए था विषय चाहिए हमें संस्कृत। अब देखिए संस्कृत का जो है कक्षा 10वीं का यहाँ पे सेकंड नंबर पर दिया गया है, यहाँ पे ये 9वीं का है, ये 10वीं का है। ठीक है, तो यहाँ पे हम संस्कृत का सेट ही आपको ओपन करके दिखा देते हैं, जो मैंने आपको दिखाया था, देखिए कुछ इस प्रकार से पेपर है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए पूरा पेपर डला हुआ है, यहाँ से आके आप पेपर डाउनलोड कर लेना। अब जैसा कि मैंने आपसे बोला था, देखिए पूरा पेपर डला हुआ है, जैसा कि मैंने आपसे बोला था सॉल्यूशन की PDF आपको प्रोवाइड कराऊंगा, तो आपको यहाँ पे स्क्रॉल करते जाना है, स्क्रॉल करते जाना है और सबसे नीचे आ जाना है। ठीक है, जैसे आप नीचे आएंगे देखिए यहाँ पे दिया गया था 25 सेकंड के बाद हरा बटन दिखेगा, तो देखिए 7, 6 यहाँ पे टाइमर चल रहा है, जैसे ही टाइमर समाप्त होगा तो हरे कलर का डाउनलोड का बटन दिखेगा, देखिएगा किस प्रकार से देखेगा ये आ गया है। अब जैसे ही हम डाउनलोड के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन पर हमें ले जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और आप सभी को सॉल्यूशन मिल चुका होगा।